हेलो। तो दोस्तों, हमारे सामने यदि क्वेश्चन आ जाए कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दुगुनी है, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी और सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, तो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता दुगुनी है तो ए की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी एक। इसके अलावा क्वेश्चन में बोल रखा है दोस्तों कि यहाँ पे बी की कार्य क्षमता सी की दुगुनी है, मतलब बी की जो कार्य क्षमता है वो सी की दुगुनी है। अब हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इनका रेशियो निकालते हैं। तो ए के बराबर में 1 लिखूंगा, 2 के बराबर में 2 लिखूंगा। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी के लिए पूछा है तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं ए और बी, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के इफिशियंसी से। तो 2, 1 का इफिशियंसी 4, बी का 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो जो मेरा टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 24। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना होगा, सी सी कितने दिनों में करता है, तो यहाँ पे मैं 24 में 1 का डिवाइड दूंगा, तो जो सी काम करेगा वो कितने दिनों में करेगा, तो वो करेगा 24 दिन। तो 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।